नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अखिलेश यादव को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद से भड़के सपाइयों ने जगह जगह उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद अखिलेश यादव को रोकने वाले अधिकारी का सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव उस अधिकारी से ये पूछते हुए नजर आते हैं कि कितना पड़े हो, आखिर कौन था ये अधिकारी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अधिकारी का 8 सालों में 16 बार तबादला भी हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर कौन था अखिलेश यादव को रोकने वाला अधिकारी। प्रतापगढ़ के रहने वाले वैभव मिश्र 2008 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। वो अपने बैच के टॉपर रहे हैं। उनकी छवि एक ईमानदार अफसर की रही है। 25 नवंबर 1980 को वैभव का जन्म हुआ था। वो जब महज 2 साल के थे, उनके पिता चल बसे। वैभव के पिता आर्मी में वारंट अफसर थे। उनकी माँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। उन्होंने ही वैभव और उनके बड़े भाई विक्रांत का लालन पालन किया। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बीए और एमए हैं। साल 2006 में वो रिसर्च फेलो हो गए। अपने ममेरे भाई विवेक पांडे से उन्हें सिविल सेवा में जाने की प्रेरणा मिली। विवेक अभी आईएएस अफसर हैं। भाई से प्रेरित होकर वैभव ने दिल्ली में कोचिंग की, कई बार यूपीएससी और यूपीपीसीएस की परीक्षा भी दी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। साल 2011 में यूपी सिविल सेवा का रिजल्ट आया तो वो टॉपर बने। अपनी पहली पोस्टिंग से ही वैभव मिश्र लगातार सत्ता के निशाने पर रहे हैं। उन्हें जो भी काम मिला ईमानदारी और लगन से पूरा किया। 2007 में जब वो इलाहाबाद सदर के एसडीएम थे, तब उन्होंने मीरगंज के वैश्यालयों को स्थानांतरित करने की अहम भूमिका निभाई थी। वैभव ने खनन माफियाओं के खिलाफ भी अभियान चलाया था। ये बात उन दिनों की है जब वो उरई में एडीएम थे। बालू माफिया ने उन्हें ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश भी की थी। वाकई हमारे देश को ऐसे ईमानदार और सच्चे अधिकारियों की जरूरत है। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की खबर लखनऊ।